फैक्ट वन, क्या आपको पता है कि ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हो, ये इस दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर हैं और इसका नाम मील 26 है। और इसके पीछे जो प्लेन है ये बोइंग 737 है। मतलब आप ये देख सकते हो कि ये हेलीकॉप्टर ऑलमोस्ट बड़े से प्लेन के साइज का है। अमेजिंग। फैक्ट वन, आज से 100 साल पहले अमेरिकन पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करके बड़े ही अनोखे अंदाज में जेल ले जाया करती थी। अपराधियों को जेल ले जाने के लिए पुलिस के पास ऐसी एक बाइक होती थी जिसके साइड में एक जेल जैसा सेल अटैच होता था। तो आज भी अगर पुलिस के पास कार अवेलेबल ना हो तो ये आज के समय पे भी उपयोगी साबित हो सकती है। फैक्ट वन, एक कंपनी जिसका नाम है रिंगले, और इस कंपनी का शुमार एज अ सॉप कंपनी हुआ था, मतलब साबुन की एक कंपनी। और उस टाइम जब भी आप इस कंपनी का साबुन खरीदते थे तब आपको बेकिंग पाउडर उसके साथ में गिफ्ट के तौर पर मिलता था। तो क्या हुआ, उसका जो बेकिंग पाउडर था वो सॉप से ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो वो लोग सॉप बेचना बंद कर दिए और बेकिंग पाउडर को ही बेचना शुरू कर दिया। और जब वो बेकिंग पाउडर को फुल स्केल पर बेचना शुरू कर दिए तब उसके साथ साथ वो एक छोटा सा च्युइंगम साथ में एज अ गिफ्ट देते थे। फिर क्या हुआ कि वो बेकिंग पाउडर से ज़्यादा मात्रा में च्युइंगम लोगों को पसंद आने लगी, तो फाइनली बेकिंग पाउडर को छोड़कर च्युइंगम बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही जन्म हुआ वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर च्युइंगम कंपनीज में से एक, रिंगले का। व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। फैक्ट वन, तो चलिए अब ये बताइए कि आप सभी को वोडाफोन का फुल फॉर्म पता है, क्या होता है? नहीं ना। वोडाफोन का फुल फॉर्म है वॉइस डेटा फोन वोडाफोन। जी हाँ। फैक्ट वन, क्या आपको पता है कि जो आप आई ब्लिंक करते हो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब कितनी देर तक आपकी आंखें बंद रहती हैं? जब आप एक बार आई ब्लिंक करते हो तो हार्वर्ड की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आपकी आंखें लगभग 100 मिली सेकेंड्स तक बंद रहती हैं, मतलब 0.1 सेकेंड। लेकिन और भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि आपकी टंग किसी भी टेस्ट को डिटेक्ट करने में सिर्फ 0.0015 सेकेंड ही लगाती है। मतलब ह्यूमंस की टेस्ट को डिटेक्ट करने की एबिलिटी फास्टर होती है आँखों को ब्लिंक करने से। फैक्ट वन, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बात करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में आ जाती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 1938 में इस करेक्टर को क्रिएट किया गया था तब उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में ऊंची ऊंची इमारत से जंप तो कर लेता था पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में जब एक का कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन्स को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन की बार बार फोटो को मोड़ कर स्क्रेच ड्रॉ करनी पड़ रही थी, जो काफ़ी डिफिकल्ट थी। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार ज़मीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ बन गया। फैक्ट 10, क्या आपको पता है कि 2007 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी जिसमें ढूंढा गया था कि वो सर्जन जो सिर्फ एक हफ्ते में 3 घंटे वीडियो गेम खेलते हैं, वो सर्जरी करते टाइम 37% कम मिस्टेक करते हैं। मतलब वीडियो गेम्स खेलने से सर्जरी में कम गलतियाँ होती हैं। फैक्ट 10, फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते होंगे कि नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी इंसान अपनी कमाई को छुपा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ टैक्स डिपार्टमेंट अपने देश के हर नागरिकों को इनकम की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करता है जहाँ से कोई भी इंसान किसी भी इनकम को बहुत आसानी से देख सकता है। इसके साथ ही साथ नॉर्वे के पास अपनी 5 मिलियन नागरिक के लिए ये 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के
पेंशन फंड भी है जो कि दुनिया के ज़्यादातर देशों की टोटल इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा है। फैक्ट 10, इस इमेज में आप जो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख सकते हो। मतलब 2001 में एप्पल का आईपैड 2000 सॉन्ग्स को स्टोर कर सकता था, लेकिन 2020 में आईपॉड से भी छोटी वॉच 16 मिलियन सॉन्ग्स स्टोर कर सकती है। इनक्रेडिबल। फैक्ट 10, ये इमेज जो आप अपने सामने देख रहे हो, क्या आपको पता है कि ये किस चीज़ की इमेज है? तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये हमारी गैलेक्सी मतलब मिल्की वे की इमेज है। और इस इमेज को खींचने के लिए एक एस्ट्रो फोटोग्राफर को 12 साल लगे थे। और अगर मैं इस इमेज की क्वालिटी की बात करूं तो इस इमेज का रिजोल्यूशन 1.7 गीगाबाइट है।